बड़ी खबर रीवा से, जहां गिरफ्तारी के दौरान अपहरण के आरोपी की पुलिस अभिरक्षा में हालत बिगड़ गई, जिसके बाद तत्काल पुलिस उसे रीवा के संजय गांधी हॉस्पिटल लेकर आई, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना से अस्पताल में तनाव की स्थिति निर्मित हो गई है। अस्पताल पहुंचे परिजनों ने पुलिस प्रशासन व अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं तनाव की स्थिति निर्मित होते देख अस्पताल परिसर में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मर्चुरी में रखवा दिया है। दरअसल रीवा के बिछिया थाने के चिरहुला मंदिर निवासी पुष्पेंद्र पटेल का मंगलवार की दोपहर अपहरण हुआ था। वह स्कूटी से सवार होकर कहीं जा रहा था, तभी फोर व्हीलर से आए तीन की संख्या में लोगों ने उसका अपहरण कर लिया। बदमाश उसे अपने फोर व्हीलर वाहन में बैठाकर संजय नगर ले आए, जहां एक कमरे में बंधक बना दिया। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना परिजनों को दी, जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे। वहां युवक की स्कूटी पड़ी हुई थी। उन्होंने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर लिया और साइबर की मदद से युवक का लोकेशन ट्रेस किया तो वह संजय नगर में मिला। बिछिया पुलिस ने समान थाने के साथ मिलकर संजय नगर में दबिश दी, जहां अपहृत युवक पुलिस के हाथ लग गया। वहीं अपहरण करने वाले तीनों आरोपियों को भी पुलिस ने पकड़ लिया। अपहृत युवक के साथ पुलिस आरोपियों को लेकर थाने आ रही थी, तभी एक आरोपी विश्वविदित शुक्ला निवासी शुपुरवा थाना गोविंदगढ़ की हालत बिगड़ गई। उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद तत्काल पुलिसकर्मी उसे बिछिया अस्पताल उपचार के लिए ले आए, जहां उसकी हालत और ज्यादा खराब होने लगी। चिकित्सकों ने संजय गांधी हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया, लेकिन संजय गांधी अस्पताल पहुंचने पर युवक ने दम तोड़ दिया। हालांकि परिजन पुलिस और अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और हत्या का मामला दर्ज कराने की बात कह रहे हैं। अस्पताल परिसर में परिजनों ने जमकर हंगामा किया और वहां तनाव की स्थिति निर्मित हो गई, जिसको देखते हुए अस्पताल परिसर में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। सूचना मिलने के बाद युवक मृतक के परिजन अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। वहीं पुलिस पर भी हत्या के आरोप लगाए हैं। मृतक के परिजन उसे संजय गांधी हॉस्पिटल के किसी निजी अस्पताल में इलाज कराने की जिद कर रहे थे, लेकिन डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित किए जाने के बाद पुलिस ने उन्हें बाहर ही नहीं जाने दिया। इस घटना में पूरा अस्पताल परिसर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। गुरुवार की सुबह शव का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसके बाद परिजनों को शव सुपुर्द कर दिया गया है। तीसरा नाम विवाद नहीं चल रहा था, जो लड़का मेरा पैसा लिया था उस लड़के को मैं ले आया था अपने मामा जी के यहाँ, शारदा सिंह जी के यहाँ। वहाँ पुलिस वाले आए, बोले बात करनी है, और थाना ले जा रहे थे। और ये मामा जी का माने जब सीना में अचानक दर्द होने लगा, पानी वानी पिए तो उनको चक्कर आ गया। यहाँ ले आए तो पुलिस वाले लोग बोले कि सिर्फ बेहोश हुए हैं, कुछ नहीं हुआ है, ठीक हो जाएंगे करते करते देख लीजिए। क्या विवाद था आप लोग? मेरा कुछ विवाद किसी से नहीं है। नहीं, वो जिस लड़के को वो पैसा लिया था बस, और कोई विवाद नहीं है। थाने वाने कहीं नहीं ले गए, हॉस्पिटल ले गए। गाड़ी में हमारा भाई भी यहाँ बेहोश है तीन घंटे। हमारा नाम भूपेंद्र शुक्ला है साहब। तीन घंटे से हमारा भाई बेहोश है, वहाँ पर पड़ा हुआ है। इसको मर्चुरी में रखवा रहे हैं, सांस चल रही है। उसके बाद भी साहब जिंदा पोस्टमार्टम करवाने के लिए भेज रहे हैं आगे। हम चाहते हैं कि हम नर्सिंग होम में ले जाएं इसको। तीन घंटे से रोक के रखे साहब हमको, गेट ये देखिए गेट में ताला बंद करके, दो दो थानेदार खड़े हैं साहब। साहब ये दर्द उठा सीने में इनके, दर्द उठा नहीं होगा। अब वहाँ अंदर ले गए तो ये हालत हो गई साहब इनकी। उसके पहले था थोड़ा, अब बताइए हमको भाई को ले नहीं जाने दे रहे कि हम ले जाएं कहीं अपना नर्सिंग होम में दिखाएं कुछ करें। तीन घंटा यहाँ हो गया साहब, ये इनका ग्राम सिपुरबा के साहब हम लोग हैं यहीं के। क्या नाम? इनका विश्वजीत कमला पर शुक्ला। क्या नाम, क्या काम करते हैं? ये होटल मैनेजर है साहब भोपाल में। अभी लॉकडाउन में यहाँ एक कार और सब खरीदे हैं साहब। ये कौन सी पुलिस इनको लेने गई थी? ये बिछिया पुलिस वाले ले गए साहब। और ये गुप्ता जी हैं, एक तीन फूल TI है, चाहे DSP हो, जो हो साहब, तीन फूल हैं गुप्ता जी, वो रोक के रखे हैं हम लोगों को। और इनके कारण, गुप्ता जी के कारण और संजय गांधी प्रबंधन के कारण हमारे भाई की ये हालत हुई है। इसके हमारे भाई के मित्र के जिम्मेदार संजय गांधी प्रबंधक हॉस्पिटल और ये पुलिस विभाग है। मेरा नाम भूपेंद्र शुक्ला है। कल दोपहर बाद 3 बजे की बात है,
वकील साहब के यहाँ हमारा भाई गया हुआ था वकील साहब से मिलने के लिए एक केस के सिलसिले में। एक हमारे बुआ का लड़का फंसा हुआ है किसी केस में, उसी की जमानत के संबंध में वकील साहब के पास गया हुआ था, बैठा था। वहीं 3:20 के आसपास ये बीसीए पुलिस पहुँचती है और डायरेक्ट वकील साहब को भी मार रही है, उनको भी गाली दे रही है और हमारे भाई को लातों पैरों कचरते हुए बिल्कुल बुरी तरह से 12-15 आदमी बिछिया थाना के, मैं TI सहित 3-4 SI मुंशी वगैरह जितने सब पूरा कर्मचारी थे, ऐसे बुरी तरह से मारे साहब की लाते लाते रास्ते में मर गया हमारा भाई रास्ते में मर गया साहब। फिर इधर उधर भगाते रह गए, कहीं वहाँ बोले कि वहाँ भेज दिए, फिर बोल दिए यहाँ भेज दिए, कुशाभाव में भेज दिए, संजय गांधी भेज दिए। हम 2-3 घंटे परेशान होते रहे। जब हम यहाँ आए तो हमको भी बेड़ दिया गया और यहाँ शिवा अग्रवाल साहब हैं SI साहब तो बोल रहे थे कि मादरचोद को इसको मारो, यही है सबसे ज़्यादा नेतागिरी कर रहा साहब, हमारा 35 साल का भाई मर गया है, मैं भी नेतागिरी करूँगा। मगर कुछ कोई भी ना रोग था ना ब्याज था, कुछ भी नहीं था मेरे भाई को, कभी बुखार तक नहीं आई साहब हमारे भाई को, और यहाँ लाके पोस्टमार्टम करवा दीजिए जिंदा आदमी का। मेरा भाई विश्वजीत कमला पशु। पेपर में पढ़ा आज सुबह, उनके परिजनों ने हमको फ़ोन भी किया कि ऐसी ऐसी घटना घट गई पुलिस कस्टडी में। तो पहले तो पुलिस किस प्रकार से उनको लेके गई और फिर पुलिस जब वहाँ पे वकील थे सब सारी चीज़ें थी तो बात कर लेनी चाहिए। जैसा कि इन लोगों ने बताया कि उसको मारते हुए लेके आए और इतना ज़्यादा मार दिया कि उन्हीं के उसमें वो अपना दम तोड़ दिया। इतनी गैरत भरी पुलिस तो अंग्रेज़ों की नहीं थी। ये देश कहाँ चला जा रहा है, पुलिस के पास वर्दी है तो किसी आम इंसान को गरीब को जब चाहे तब मार दे, कुचल दे, आवाज़ को दबा दे। क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी प्रकार का न्याय होता है तो वहाँ हम लोग पहुँचते हैं। तो ये एक बड़ा अन्याय हुआ है, एक किसी के भाई की मौत हो जाना और उसके भाई के मौत के बाद भी उसको इस प्रकार से गाली देना और उसको अपशब्दों का प्रयोग करना, ये बहुत ही गलत है। जुडिशियल जाँच में पोस्टमार्टम हो रहा है, मुझे पूरा भरोसा है पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आएगी वह सत्य की रिपोर्ट आएगी। पर उसके पहले यदि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के पहले भी पुलिस चाहती व्यवस्था ये होती है कि यदि किसी के ऊपर आरोप लगता है तो उसके खिलाफ FIR करके उसको कस्टडी में लेके जांच शुरू हो जाती है। तो आप इंतज़ार कर रहे हो कि जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, चलो हमें भरोसा है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी और जो पुलिस वाले अपराधी हैं वो भी पकड़े जाएंगे और उनको भी उचित दंड मिलेगा, यही हमारा लोकतंत्र कहता है, यही हमें भरोसा है। कल शाम को 6:30-7 बजे के आसपास हमारे पास एक युवक चिकित्सालय में इलाज हेतु लाया गया था, पुलिसकर्मी भी साथ में थे, उसका नाम कमल प्रसाद शुक्ला है और वो मृत अवस्था में लाया गया था हमारे यहाँ। तो जो हमारी कार्रवाई होती है हमने उसकी सूचना पुलिस को दे दी थी और शव को शवपुरा में रखवा दिया और आज पुलिस के द्वारा पंचनामा के उपरांत उसका पोस्टमार्टम के लिए फॉर्म प्रस्तुत किया है कि टीम के द्वारा होना है, इसलिए तो हमारे यहाँ की टीम जो है वो पोस्टमार्टम कर रही है। नहीं, ये गलत है क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो मृत अवस्था में लाया गया था, तो मृत अवस्था में लाए जाने व्यक्ति के साथ बिल्कुल उपचार में लापरवाही की बात नहीं होती। युवक की मौत हुई थी, क्या मामला है? पुष्पेंद्र पटेल नाम के एक लड़के के अपहरण की सूचना थाना बिछिया में उसकी पत्नी द्वारा दी गई थी, उसका नाम पूजा पटेल है। तो उस सूचना के बाद उसके नंबर की तस्दीक करते हुए पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस की, लोकेशन ट्रेस करने के बाद लोकेशन के स्थान पर पहुँचे तो वहाँ पे अपहृत व्यक्ति भी मिला और साथ में जो लोग ले गए थे आरोपी गण उनको भी मिले। उनमें से एक आरोपी जो जिसका निधन हुआ है वो भी मिला और उसको जब ला रहे थे तो उसको सांस फूलने लगी। तो हो सकता है पुलिस को देख के घबराहट हो या कुछ उसको पहले से प्रॉब्लम हो, तो पुलिस थाने न जाते हुए पहले सीधे अस्पताल गई, अस्पताल जाके उसके इलाज की व्यवस्था किया और इसी दौरान उसकी जो है इलाज के दौरान उसकी डेथ हो गई, जिसकी नियमानुसार जांच कराई जा रही थी। तो पैसे के लेन देन का? हाँ, इनका पैसे के लेन देन के कारण ही उसको उठाया गया था, उनके वो लोग अपहृत किए थे, आरोप यही लगा था। उसकी उस पर अलग से जाँच चल रही है, उस पर अलग से कार्रवाई चल रही है और उसी की प्रक्रिया में सारा घटनाक्रम हुआ। पुलिस ने तत्काल उसको उसके अस्पताल पहुंचाया, विलम्ब नहीं किया पुलिस ने।